फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का। एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी आई थिंक पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरे लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज माई फ्रेंड जैड अविनाश। पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच। मगर जब बिग बॉस ने कहा कि हम, मगर जब मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है। जी मैं एक तो आप सबको देख के, इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ। इतना प्यार, माय गॉड, मेरे को आई थिंक ये सारे फिल्म छोड़ के बिग बॉस पहले करना चाहिए था। बट आई थिंक के मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं तो ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक के मेरे ज़माने के जो लोग थे, हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं आप, हम आपके कैमराज को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते। जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट्स कहा नहीं है, मगर फिर भी एक 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 हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने। तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर ज़िंदगी जीऊँगी। Thank you. So what was the intention behind making a Bigg Boss? The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब ये ऑफर मेरे पास आई थी, मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओगी लोग खामोखाम जलील करेंगे, फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का। शो आपको जलील नहीं करता है, शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं हम खुद गिरते हैं, हम अगर जलील होते हैं हम खुद वो चॉइस बनाते हैं, और अगर हमारी उड़ान होती है वो शो का फॉर्मेट वो है। तो आई थिंक मुझे, मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर। एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी आई थिंक पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरे लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज़ माई फ्रेंड जैड अविनाश। एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन। तो आई थिंक ये 51 की उम्र में I kept the flag flying high, guys. So I think that age is just a number. I think meri energy levels jo thi mere contemporary se bahut hi zyada thi, wo jo maine dikha diya. Aur safai ke mamle mein mental and physical I think maine kafi manage kiya. I think mujhe sabse bada compliment Abhishek ne diya tha actually 3 ya 4 din pehle, jab isne kaha ki agar aap nahi hote to shayad log aur girte. Ma'am, you have seen those two boys very closely inside the house. How happy are you with the result? Elvish coming first, the first wild card entry. Elvish ki jeet mere liye I'm thrilled, kyunki ye prove karta hai ki ye game jo hai bahut hi fair game hai. And ye jo myths hote hain na ki agar aap wild card ban ke aaye hain to fir aapka journey jo hai utna important nahi hai ya itna bhari nahi hai jaise kisi ne 8 hafte guzare hain, ye sare myths hain. आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। जैसे रिश्ता जो होता है, क्योंकि 10 साल का है उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है। एंड आई थिंक वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे। एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो। सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ अ जर्नी यू टेक इन टू योर ओन हार्ट। एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई, मैंने खुद के वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ को यहाँ से देखी। 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी।
फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है. हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है, मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया. और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच, मगर जब बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन. सो अभी पसीना आ रहा है मुझे, पहुँचने दो. हाँ जी, मेरा फोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि एक तो ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया, आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है, एंड आई थिंक ये बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं, मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट. आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हग करे, एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है. एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विद माई लाइफ एक्सपीरियंसिस और जेन्यूनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में. मुझे लड़की से प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं, उसे बहुत सारे चीज़ कहे गए जो मैं, मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल विद. वो अंडरडॉग थी, वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग, ना कोई सपोर्ट सिस्टम. खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबने उसको बोला कि एक हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम, बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल, और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है, एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ, और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता है. आई डोंट गिव एनीवन द परमिशन टू इंसल्ट मी. सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं. आई थिंक आपने मुझे 34 इयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है, एंड यू नो दैट आई स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इन. तो बेबिका वॉज माई, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूँगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूँ, लास्ट चेहरा आपका देखूँ मैं, और आप मुझे बाय बोलेंगे. तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी, एंड व्हेन आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी. Aren't you sick of seeing me already? नहीं नहीं, देखो मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था, और अब मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा, मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है, जितना भी आप छुपाएं, वो बाहर निकल के आती है. मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था, और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है. तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अब भी है. मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है. और मैंने उसको वो कहा, क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ, तो फिर वो ज्यादती होगी. I can't hear you. Excuse me, मैं अभी भी जवानी में हूँ. दिल जो है अब भी नहीं मानता, बेकरारी अब भी होती है. 51 is just a number, darling. I'm single. At this moment, unwilling to mingle. But, Jawani, I was awake earlier than them. I went to bed later. I worked harder. 51 is the new 30 or the new 20, perhaps. Thank you. Thank you.